जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं परमाणु संरचना के बारे में। ये परमाणु संरचना का पार्ट टू वीडियो है। इसमें हम लोग समझेंगे मैक्सवेल का नियम कौन सा है, मैक्सवेल किस प्रकार से सिद्धांत दिया था, और फिर बोरवरी का सिद्धांत कौन सा है, रदरफोर्ड का सिद्धांत कौन सा है, फिर इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का सारी जानकारी देंगे, परमाणु का त्रिज्या किससे नापते हैं, नाभिक का त्रिज्या किससे नापते हैं, सारी चीज़। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए परमाणु संरचना, सबसे पहले समझिए परमाणु क्या होता है। परमाणु सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण होता है जो कि जिसका कि खंडन ना हो सके, ठीक है। लेकिन ये जो है जॉन डाल्टन ने इसका सिद्धांत मतलब दिया था इसका, ठीक है, जो कि वो अभी के समय में सही नहीं बैठता, क्योंकि प्रोटॉन को बहुत सारी चीज़ में तोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, इन सब में तोड़ दिया गया। किसको? परमाणु को तोड़ दिया, ठीक है, और फिर मेसॉन में, न्यूट्रिनो में, पाई मेसॉन में, इन सब में तोड़ दिया गया। आप समझते हैं रदरफोर्ड मॉडल क्या है। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, है ना। रदरफोर्ड मॉडल में अल्फा प्रकीर्णन के माध्यम से, ठीक है, स्वर्ण परत में अल्फा रे के माध्यम से प्रतिच्छेदन किया गया था। और जब इसमें प्रतिच्छेदन किया गया था, ठीक है, जब इसमें प्रतिच्छेदन किया गया था तो 98% जो है वो सभी सीधे रेखा से क्या हो गया, बाहर चले गया, ठीक है, वो पूरा सीधा रेखा से बाहर चले गया। तो इससे तीन प्रकार का चीज़ हमें जानने के लिए मिलता है कि हम कह सकते हैं परमाणु का जो बाह्यतम भाग है वो क्या है, खोखला है। परमाणु का बाह्यतम भाग खोखला है, और परमाणु का जो मध्य भाग है, जब इसको मध्य से गुजारा गया तो ये हल्का सा तिरछा चले गया, इस प्रकार से चले गया, जब इसको मध्य से गुजारा गया, है ना, तिरछा चले गया। तो हम कह सकते हैं इसका मध्य भाग जो है वो ठोस है, क्योंकि आपको पता है जो अल्फा रे से प्रकीर्णन किया गया था तो अल्फा रे भी पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव किससे भाग सकता है, दूर, पॉजिटिव से ही। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रोटॉन है ना जो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव एवं नेगेटिव आपस में जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास अगर ये जाता तो वो क्या हो जाता, ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ ये बीच से जब गुजारा गया तो इसका जो रे है वो क्या हो गया, विचलित हो गया, वो चले गया ऊपर की ओर, ये हम बता दें आपको। और उसके बाद जो मध्य से गुजारा गया, पूरा सेंटर से, केंद्र भाग से, तो वो बीचों बीच से उसको क्या कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। हम कह सकते हैं तब इसका जो सेंटर वाला भाग है, यानी केंद्र वाला जो भाग है, वो क्या है, वो काफ़ी ठोस है, और फिर क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, ठीक है। अल्फा प्रकीर्णन से इसका क्या किया गया था, रे के माध्यम से किया गया था, अधिकांश भाग इसका खोखला है, और फिर सेंटर में इसका क्या है, प्रोटॉन है एवं न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाह्यतम कक्षा में है, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में इसका क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में चक्कर काट रहा है। जितना ये इलेक्ट्रॉन है उतना है प्रोटॉन ही है, ठीक है। प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन को टालना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन को टालना चाहता है, इसी कारण से जब दोनों टालता है तो यही इसी कारण से नहीं ये टाल पाता है, नहीं ये टाल पाता है, इसी कारण से ये चक्कर होने लगता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कभी कभी जो है, कभी कभी अंदर आ जाता है अपना, हम क्या सकते हैं, ऊर्जा को खो करके, और कभी कभी जो है या इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा ज़्यादा हो जाता है, ये बाहर चले जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब समझते हैं मैक्सवेल का सिद्धांत क्या है, मैक्सवेल का सिद्धांत क्या है। मैक्सवेल ने कहा था, डायरेक्टली आप समझने का प्रयत्न कीजिए, मैक्सवेल ने कहा था कि जिस प्रकार से आपको पता, अभी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएं, ये सभी इलेक्ट्रॉन है, तो इसी प्रकार से कौन, मैक्सवेल ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वो बाह्यतम कक्षा में जब गति करता है ना, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में जब गति करता है तो उस गति करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, एवं जब वो बाह्यतम कक्षा से बाहर चले जाता है, और बाहर चले गया, ठीक है, तो इसका मतलब वो ऊर्जा को ग्रहण किया है, ठीक है। और फिर एक समय ऐसा आएगा, मैक्सवेल का कहना था, एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है अभी जो गति कर रहा था ये किसी न किसी ऊर्जा कारण कर रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, जब इसका ऊर्जा समाप्त हो जाएगा तो ये गिर जाएगा नाभिक में। ये किसका कहना था, मैक्सवेल का कहना था। क्या कह रहा था ये, कि इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कक्षा में गति कर रहा है, बाह्यतम कक्षा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है, एवं जब उसकी ऊर्जा समाप्त होगी तो वह पुनः क्या होगा, नाभिक में गिर जाएगा, ठीक है, नाभिक में गिर जाएगा। ये किसका कहना था, तो ये कहना था मैक्सवेल का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में तो आप देख ही रहे हैं कि ये किस प्रकार से गति कर रहा है, ठीक है, और इसके जितने भी बाह्यतम कक्षा है उन सभी का नाम दिया गया है आपको। ये जो है, ये बाह्यतम कक्षा, इसका नाम है K, इसका नाम K है, ये L है,
ये एम है और ये एन है, है ना। बोरबरी का नियम इसी पर आधारित है, के एल एम एन, बोरबरी का जो नियम है वो इसी पर आधारित है। बोरबरी मॉडल जो दिया है वो नील्स बार दिया है, बोरबरी मॉडल किसने दिया है, नील्स बार दिया है। और नील्स बार क्या कहा है, नील्स बार का कहना था बोरबरी मॉडल्स के अकॉर्डिंग, नील्स बार कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक दो तीन प्रकार का पॉइंट यहाँ पे समझने वाली बात है, है ना। नील्स बार के अकॉर्डिंग, बोरबरी मॉडल के नील्स बार के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीन प्रकार का पॉइंट है। एक है इलेक्ट्रॉन का अपना कक्षा, इलेक्ट्रॉन का अपना कक्षा, अपना कक्षा मतलब जहाँ पे वो है, ठीक है। उसके बाद है बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा, फिर है आंतरिक कक्षा, आंतरिक कक्षा, ठीक है, बाह्यतम कक्षा और आंतरिक कक्षा। इलेक्ट्रॉन जब अपना कक्षा में क्या करेगा, चक्कर काटेगा, किसका चक्कर काट रहा है, नाभिक का। तो जब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में नाभिक का चक्कर काटेगा तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अपने घर में रहने के लिए किसी को ऊर्जा की आवश्यकता थोड़ी होती है। आप अपना घर में रह रहे हैं तो रेंट देकर के नहीं रहते होंगे, तो इसी प्रकार से ये कहा था। एवं इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाता है, अपना कक्षा से कुछ छोड़ करके वह बाहर जाता है, इसका मतलब वो ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने वाले ही चीज़ वो बाहर जाता है, है ना। जैसे कि आप पाँच क्लास में हैं, आठ क्लास में चले गए, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो बुद्धि है, दिमाग है, कौशल शक्ति वो ज़्यादा है, आप ज़्यादा समझते हैं, इसलिए फाइव क्लास से एट क्लास में चले गए। इसी प्रकार अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा को छोड़ करके, एम को छोड़ करके एन में चले जाता है, तो इसका मतलब है कि इसके पास जो है ऊर्जा ज़्यादा था, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ऊर्जा क्या था, ज़्यादा था। एवं कोई कोई बाह्यतम कक्षा से आंतरिक कक्षा में आ जाता है ना, आंतरिक कक्षा में आ जाता है, इसका मतलब ऊर्जा कम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा में रहेगा तो बोले ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। बाह्यतम कक्षा में जो जाएगा उसको ऊर्जा ज़्यादा लगेगा, बाह्यतम कक्षा में यहाँ से यहाँ जाने के लिए ऊर्जा चाहिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए ऊर्जा चाहिए। एवं कोई आंतरिक कक्षा है ना, मतलब बाह्य से अगर कोई आंतरिक कक्षा आ गया है तो ऊर्जा का वो क्या किया है, क्षरण किया है। जैसे कि आप पाँच क्लास में पढ़ते हैं, पाँच क्लास से आपको दो क्लास में एडमिशन करवा दिया जाए, तो इसका मतलब कि पाँच क्लास भी आप नहीं पढ़ पाए, डायरेक्ट दो क्लास में आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ज्ञान की कमी। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, वो तो अच्छी मतलब सही वाली बात है, नाभिक। ये नाभिक में होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, जिसे हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होता है ना, बाह्यतम ऑर्बिट में होता है और वो चक्कर काटता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कक्षा के बाह्यतम भाग में रहता है, एवं बाह्यतम से जब आंतरिक में जाता है तो इसका मतलब वो ऊर्जा को क्या करता है, त्यागता है, है ना। अब देखिए इसमें बहुत सारा कण है, ठीक है। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, परमाणु के बारे में विभिन्न विभिन्न प्रकार से अवचेतन किए, मतलब सबका अपना अपना थिंकिंग था। अब हम समझते हैं ये जो आपको परमाणु दिखाई दे रहा है, और ये परमाणु में विभिन्न प्रकार का चीज़ आप देख रहे होंगे, इसका कक्षा बनाया हुआ है। तो इसका पहला कक्षा का नाम के है, दूसरा कक्षा का नाम एल है, तीसरा कक्षा का नाम एम है, तीसरा कक्षा का नाम एन है, ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें आठ इलेक्ट्रॉन रहता है ना, इसमें अठारह रहता है और इसमें बत्तीस रहता है। दो इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन, अठारह इलेक्ट्रॉन और बत्तीस इलेक्ट्रॉन, ये बोरबरी ने दिया था, बोरबरी ने ये दिया था, एवं इसी को कहते हैं टू एन स्क्वायर, टू एन स्क्वायर। तो इसके बारे में हम बाद में समझेंगे, अभी नॉर्मल सा रूप समझिए, है ना। अब नॉर्मल सा रूप समझिए, ये जो आपको परमाणु पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, परमाणु के बारे में, ठीक है, परमाणु का खोज किसने किया था, जॉन डाल्टन ने इसके बारे में दिया था, है ना। देखिए परमाणु ये नाभिक है, नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है, नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अब यही नाभिक के बगल में, ठीक है, उसी के एक जस्ट मतलब वैज्ञानिक था, वो मतलब इधर उधर देख रहा था इसको जूम करके, क्या चीज़ को, याद रखिएगा गोल्ड, गोल्ड के लेयर में ये सब चीज़ किया गया था, सबसे प्रारंभिक उम्र में अल्फा रे का उपयोग किया गया था, ठीक है। और ये ना ये सॉरी सोना का जो है परत, जिसे हम लोग की स्वर्ण परत कहते हैं, स्वर्ण परत में ये उपयोग किया गया था। अब स्वर्ण परत में जब ये उपयोग किया गया था तो देखा गया था इसके बीच वाले भाग में, मतलब जूम करके देखा गया था काफ़ी, तो पूछा गया ये क्या है, तो किसी को पता नहीं था, रदरफोर्ड को पता नहीं था। तो जब ये पूछा गया कि ये क्या है, आपको नाम पता है, तो बोला नहीं हमें नहीं पता है, तो वो नाम रख दिया प्रोटॉन का नाम, ठीक है। अब प्रोटॉन का नाम कौन रखा, तो गोल्डस्टीन, ठीक है। उसके बाद फिर उसी के मतलब साथ में एक वैज्ञानिक था, वो बगल बगल में इसका मतलब परीक्षण का खोजने लगा, तो वो भी एक चीज़ खोज लिया, कहा कि ये प्रोटॉन है, बोला प्रोटॉन है, तो ये क्या है, तो ये है न्यूट्रॉन, तो हम भी वैज्ञानिक बन गए। तो वो कौन था,
तो वो न्यूट्रॉन का खोज जो किया था वो किया था इसका जेम्स चैडविक किया था, जेम्स चैडविक किया था। और फिर जो बाह्यतम भाग में था जे जे थॉमसन था, ये सब ग्रुपिंग का ही था, ये यहाँ वहाँ खोज रहा था परमाणु के बाह्यतम भाग में, मतलब खोज रहा था कि ये इधर है क्या है। तो जब बाह्यतम भाग में खोजा तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। रदरफोर्ड के पास गया कि बताइए क्या है क्या है, तो बताया कि नहीं ये तो हम नहीं जानते हैं। जेम्स चैडविक बोला हम नहीं जानते हैं, गोल्डस्टीन बोला हम भी नहीं जानते हैं, तो ये क्या है। तो इलेक्ट्रॉन कहता है अब हम भी वैज्ञानिक बन गए हैं, मतलब जो इसका खोज किया था जे जे थॉमसन, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ का खोज हुआ। तो हम अभी आपको सभी चीज़ के बारे में बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ, किसने किया, इसका चार्ज क्या है, इसका द्रव्यमान क्या है, जिसे लोग मास कहते हैं, उन सभी के बारे में। और देखिए परमाणु के त्रिज्या को जो नापा जाता है, परमाणु के त्रिज्या को एंगस्ट्रम में नापा जाता है, वो 1×10^10 मीटर होता है। अब परमाणु के नाभिक को फर्मी में नापते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इससे पहले वाले दो वीडियो को देख लीजिए, शॉर्ट बेसिक्स में 10-15 मिनट का ये वीडियो बनता है, जो कि आप इजी रूप से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए, अब इसको मिटा करके हम आपको ये समझाते हैं, मिटाइए। उम्मीद है अभी जो हम आपको बताएं परमाणु के बारे में, मैक्सवेल का थ्योरी एवं बोरबरी का थ्योरी, रदरफोर्ड का थ्योरी, आपको समझ में आया। अब समझते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए परमाणु में जो है ये तीन प्रकार का कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये मूल कण है ना, इसे हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। ये मूल कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, मेसॉन हैं, न्यूट्रिनो हैं, ठीक है, पॉजिट्रॉन है, तो वो सब मतलब अस्थाई में आते हैं कण में, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, जे जे थॉमसन। अब देखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज कौन किया था, तो गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया था। बोले इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए तीनों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज जो जे जे थॉमसन ने किया था, ये 1897 में किया था, 1897 में। और प्रोटॉन का खोज 1919 में हुआ था, 1919 में। न्यूट्रॉन का खोज हुआ था 1932 में, है ना, 1897, 1919, 1932। अब आगे समझते हैं, आवेश के बारे में। आवेश का मतलब होता है चार्ज, यानी किसके ऊपर में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या फिर बिना चार्ज का है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना। तो नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बाह्यतम कक्षा में पाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं। प्रोटॉन की बात करें इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन में नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है ना, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। इस पर होता है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस पर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे आपका कोई चार्ज नहीं होता। अब समझते हैं हम द्रव्यमान के बारे में, जिसे हम लोग मास भी कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इसका मास क्या है, द्रव्यमान, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान की अगर बात करें, क्या होता है, 9.1×10^-31 kg, है ना। तो देखिए कितना ज़्यादा हल्का है, ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है, ठीक है। इसका कंपेयर जो है हाइड्रोजन से किया जाता है, है ना, हाइड्रोजन के 1/1840 ग्राम के माध्यम से, ठीक है। ये बहुत ही हल्का होता है, इसका होता है 9.1×10^-31 kg, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। प्रोटॉन का समझिए, है ना, प्रोटॉन्स का कितना होता है, इसका होता है 1.6725×10^-27 kg, है ना। तो ये थोड़ा भारी होता है। अब सबसे ज़्यादा भारी जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है, इसका होता है 1.6748×10^-27 kg, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर भारी की बात करें, सबसे ज़्यादा भारी कौन सा होता है, सर्वाधिक भारी होता है आपका न्यूट्रॉन, ये ज़्यादा भारी होता है, ठीक है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन भी भारी होता है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन से भारी नहीं होता। सबसे हल्का कौन होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये ज़्यादा भारी होता है, ठीक है, ये मीडियम में रहता है। अब समझते हैं नाभिक क्या होता है, नाभिक, है ना, नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको न्यूक्लियन भी कहा जाता है, परमाणु का केंद्र में नाभिक होता है और टोटल जो रहता है उसे हम लोग परमाणु कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियन क्या होता है,
प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जहाँ पर रहता है हम उसे न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। इसको नापते हैं फर्मी से और परमाणु को नापते हैं एंगस्ट्रम से। तो उम्मीद है हम जो आपको ये पढ़ाए हैं, ठीक है, द्रव्यमान के बारे में और फिर क्या चीज़ के बारे में और फिर कौन सा किस में कौन सा चार्ज होता है, इसका खोज कब हुआ, किसने क्या चीज़ का खोज किया, ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया होगा। तो अगर हमारे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो इसी प्रकार से हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।